उसके भवन में पूजा का स्थान अवश्य ही होता है। हिंदू धर्म में पूजा के लिए भवन में ईशान की दिशा को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चाहे भवन का मुख किसी भी दिशा में हो, लेकिन पूजा घर यथासंभव ईशान कोण में बनाने से शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। पूजा घर के लिए पूर्व और उत्तर की दिशा भी शुभ मानी जाती है। ध्यान रहे कि पूजा घर इस तरह से बनाया जाए कि पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर ही हो। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार धन प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना ही श्रेष्ठ कर होता है। यहाँ पर हम आज अपने वीडियो के द्वारा आपको पूजा घर से संबंधित कुछ आसान से वास्तु टिप बता रहे हैं, जिससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। पूजा घर कभी भी धातु का ना हो, यह लकड़ी, पत्थर और संगमरमर का ही होना ही शुभ माना जाता है। पूजा का कमरा खुला और बड़ा होना चाहिए। पूजा घर को सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। यह हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर ही होना श्रेष्ठ माना गया है। इसे कभी भी तहखाने में भी नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर कभी भी शयन कक्ष में नहीं बनाना चाहिए, लेकिन यदि स्थानाभाव के कारण बनाना भी पड़े तो पूजा स्थल में पर्दा अवश्य ही होना चाहिए। दोपहर और रात में पूजा स्थल को पर्दे से अवश्य ही ढक दें। पूजा घर में मूर्तियां कभी भी प्रवेश द्वार के सम्मुख नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में बड़ी, वजनी और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में कम वजन की मूर्तियां और तस्वीरें ही होनी चाहिए। इन्हें दीवार से कुछ दूरी पर रखना चाहिए, दीवार से टिका कर नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, अर्थात देवताओं की दृष्टि एक दूसरे पर नहीं पड़नी चाहिए। पूजा घर में एक ही भगवान की कई सारे रूपों की मूर्ति एक साथ नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में भगवान की मूर्तियों के साथ अपने पूर्वजों की तस्वीर कतई नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी टूटी हुई खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे तुरंत हटाकर नदी या नहर में प्रवाहित करा देना चाहिए। घर के पूर्व या उत्तरी दीवार पर घर के कुल देवता का चित्र भी अवश्य ही लगाएं। पूजा घर में जटा वाला नारियल, जिसमें पानी अवश्य होना चाहिए, ऐसा नारियल पूजा स्थान पर हमेशा रखें। पूजा घर में पवित्र यंत्रों जैसे श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, विषय यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, एकाक्षी नारियल आदि को अवश्य ही स्थापित करना चाहिए। इन यंत्रों को अखंडित चावलों अर्थात साबुत चावलों के ऊपर स्थापित करना चाहिए तथा इन चावलों को प्रत्येक पूर्णिमा को बदलते रहना चाहिए। पूजा घर में भगवान को जल चढ़ाने के लिए तांबे के बर्तनों का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी पूजा जाप को करते समय किसी न किसी आसन का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए तथा पूजा करते समय एक पात्र में जल रख लें, फिर पूजा के उपरांत आसन के नीचे थोड़ा जल डाल उसे अपने मस्तक पर लगाते हुए ही उठना चाहिए, अन्यथा पूजा का फल बिल्कुल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। घर के पूजा घर में कलश, गुंबद इत्यादि बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। पूजा घर में यदि हवन करने की व्यवस्था है तो वह हमेशा अग्नि कोण में ही होनी चाहिए। पूजा घर के निकट झाड़ू पोछा अथवा कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए। पूजा घर के समीप जूते चप्पल भी नहीं होने चाहिए। पूजा घर के लिए सफेद, हल्का पीला, गुलाबी अथवा आसमानी रंग को ही शुभ माना जाता है। पूजा घर में कभी भी काले, नीले, भूरे, लाल आदि रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा घर में कभी भी कोई भी बहुमूल्य वस्तु छिपाकर नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर के नीचे किसी अलमारी अथवा अन्य किसी भी स्थान के कोर्ट के संबंधी कागज रखने से उसमें विजय की संभावना बढ़ जाती है। हमें विश्वास है कि आप वास्तु के उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर ईश्वर की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने वीडियो में पहले ही कह चुके हैं कि भवन के ईशान कोण में पूजा स्थल होना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि ईशान कोण का स्वामी ग्रह गुरु है। हम आपको यहाँ पर घर की और किस किस दिशा में पूजा स्थल का क्या प्रभाव पड़ता है वो अब आपको बता रहे हैं। ईशान कोण में पूजा स्थल, जिस भवन के ईशान कोण में पूजा स्थल होता है उस भवन के सदस्य बहुत ही धार्मिक विचारों के होते हैं। उस परिवार के सदस्य निरोगी होने के साथ साथ
दीर्घायु भी प्राप्त करते हैं। पूर्व दिशा में पूजा स्थल, जिस भवन में पूर्व दिशा में पूजा स्थल होता है उस भवन का मुखिया बहुत सात्विक विचारों वाला होता है, वह अच्छे कर्मों से समाज में मान सम्मान को प्राप्त करता है। आगन्य में पूजा स्थल, जिस भवन के आगन्य दिशा में पूजा स्थल होता है उस भवन के मुखिया को बीमारियां घेरे रहती है, वह बहुत ही क्रोधी लेकिन निर्भीक होता है, वह स्वयं ही निर्णय लेता है और आत्मनिर्भर भी होता है। दक्षिण दिशा में पूजा स्थल, जिस भवन में दक्षिण दिशा में पूजा स्थल होता है उस घर के सदस्यों को भी तरह तरह की बीमारियां घेरे रहती है, उस भवन के निवासी जिद्दी क्रोधी और भावुक होते हैं। नेतृत्व कोण में पूजा स्थल, जिस भवन में नेतृत्व कोण में पूजा स्थल होता है उस भवन के सदस्यों को मस्तिष्क पेट संबंधी समस्याएं होती हैं और उन लोगों के स्वभाव में धूर्तता और लालच स्वतः ही आ जाती है। पश्चिम दिशा में पूजा स्थल, जिस भवन में पश्चिम दिशा में पूजा स्थल होता है उस घर के मुखिया के स्वभाव में लालचीपन आ जाता है और वह जोड़ों के दर्द एवं पेट की गैस से पीड़ित रहता है। वायव्य कोण में पूजा स्थल, जिस भवन के वायव्य कोण में पूजा स्थल होता है उस भवन के मुखिया का दिमाग अस्थिर रहता है, वह छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है, उसके दूसरी स्त्री के साथ संबंध होने की संभावना रहती है और इसी कारण उसे बदनामी भी उठानी पड़ सकती है। उत्तर दिशा में पूजा स्थल, जिस भवन में उत्तर दिशा में पूजा स्थल होता है उस भवन के सदस्य विद्वान बुद्धिमान और ज्ञानवान रहते हैं, उन्हें धन संबंधी भी कोई दिक्कत नहीं आती। ब्रह्म स्थल में पूजा स्थल, जिस भवन में ब्रह्म स्थान में पूजा स्थल होता है वह बहुत ही शुभ माना जाता है, उस भवन के सदस्यों के मध्य प्रेम बना रहता है और उस भवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। हमें विश्वास है कि आप वास्तु के उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर ईश्वर की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो भी, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद नहीं आया तो भी, हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कॉमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।